हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां संस्करण संपन्न हुआ है। बीते शनिवार यानी 18 मार्च को लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया था, जिसे शाहीन अफरीदी की अगुवाई वाली टीम ने 1 रन से जीत कर खिताब अपने नाम किया। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी ने PSL की तुलना IPL से की है। PCB चीफ ने अपने मुल्क की लीग को भारत की इंडियन प्रीमियर लीग से बेहतर बताया है। इसके लिए उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। दरअसल नजम सेठी का कहना है कि PSL की मीडिया रेटिंग IPL से ज्यादा है। 74 साल के नजम सेठी ने PSL 2023 संपन्न होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप यकीन करें, जब PSL के आधे ही मैच खेले गए थे तब मैंने पूछा कि हमारी डिजिटल रेटिंग क्या है। उन्होंने कहा, जियो टीवी पर नजम सेठी शो होता था तो उसकी 0.5 या 0.6 रेटिंग आती थी, मगर PSL की 11 से ज्यादा रेटिंग आ रही है। अब आप खुद सोच लीजिए कि टीवी रेटिंग कहां तक पहुंच गई है। जब पूरे टूर्नामेंट का डेटा हमारे पास आ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये रेटिंग 18 से 20 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा जो डिजिटल रेटिंग थी इसके बारे में हमें जो फीडबैक मिला है, हम जो मॉनिटर करते हैं, वो 150 मिलियन से ज्यादा थी। यह छोटी बात नहीं है, इसी स्टेज पर IPL की डिजिटल रेटिंग 130 मिलियन के करीब थी और हमारी 150 मिलियन से भी ज्यादा है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। अब भले ही नजम सेठी ने PSL को IPL से बेहतर करार दे दिया है, मगर फिर भी वो IPL की देखा देखी में PSL के आगामी सीजन में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। PCB चीफ का कहना है कि वे अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग में 2 टीमों का इजाफा कर सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में खेले जाने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 टीमें खेलती हैं। गौरतलब है कि दोनों T20 लीग्स की तुलना अगर बड़े पैमाने पर की जाए तो इसमें IPL की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्रिकेट के इस महाकुंभ में ऑक्शन से लेकर विनिंग प्राइस तक झमाझम पैसा बरसता है। इसके अलावा खेल के आधार पर भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स IPL में भाग लेते हुए नजर आते हैं। वही PSL इस मामले में काफी पीछे रह जाता है। ऐसे में नजम सेठी ने शायद बड़ बोलेपन में अपने मुल्क की लीग को दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग से बेहतर बताया है। दोस्तों, इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए क्रिकेट टुडे TV को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।